अब विश्लेषण कोरोना की तीसरी लहर का। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात कही जा रही है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर आनी निश्चित है और इस लहर में बच्चों को संक्रमण से अधिक खतरा होगा। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी यही बात कही गई है, लेकिन एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज इस संभावना को पूरी तरह से नकार दिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि अभी तक इस बात के ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि बच्चों को कोरोना से गंभीर खतरा है। उनका मानना है जिस खतरे की बात कही जा रही है उसके पीछे कोई ठोस आधार और जानकारी नहीं। ऐसे में ये कहना कि बच्चों को संक्रमण का अधिक खतरा हो सकता है, ये सही नहीं होगा। हालांकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मानते हैं कि बच्चों की निगरानी और उनका ध्यान रखना आवश्यक है। इस विषय पर आज उन्होंने और क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो, उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। बच्चों को लेकर इस समय हर माता पिता के मन में डर है। हमारे देश में माता पिता अपने बच्चों को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं। आपने देखा होगा कि खुद अस्वस्थ होने पर भी लोग अपने बच्चों की अधिक चिंता करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। एक स्टडी के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद माता पिता औसतन 2.5 वर्षों तक पूरी नींद नहीं ले पाते। कहने का मतलब ये है कि हम सारी मुश्किलों से संघर्ष कर सकते हैं लेकिन बच्चों को मुश्किल में नहीं देख सकते और इस बात को हम समझते हैं। इसलिए आज हम एक वीडियो विश्लेषण आपके लिए लाए हैं। इस समय ज्यादातर माता पिता के सामने चुनौती है कि वो बच्चों में संक्रमण के लक्षण को कैसे समझें। कई लोग पल्स ऑक्सीमीटर से बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक कर रहे हैं। ऐसा करते हुए कई बार वो घबरा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर बच्चों की सही रीडिंग नहीं देता। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कैसे बच्चों के लक्षण समझने हैं और पल्स ऑक्सीमीटर बच्चों के लिए कितना काम का है, इन सारे सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। इसलिए इस रिपोर्ट को हमारे देश के सभी माता पिता को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वैज्ञानिकों ने जब से कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ सकता है, उसके बाद से ही पूरे देश के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान हो गए हैं। पहली लहर का असर और दूसरी लहर की तबाही देखने के बाद तीसरी लहर की खबर ने सभी को चिंता में डाल दिया है। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा है, अस्पताल तो तैयार हो ही रहे हैं लेकिन जो माता पिता डरे हुए हैं उनके लिए आज हम ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि क्यों नहीं डरना चाहिए और कब जाकर आपको सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से आगे निकलते हुए डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और सीधे अस्पताल का रुख करना चाहिए। यहाँ पर अभी आपको एक माता पिता नजर आ रहे हैं, छोटी सी बच्ची है जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती है। सबसे पहले उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ऐसी कोई दिक्कत है और फिर आप हॉस्पिटल पहुँचे? इसको 7 से 8 दिन में हाई ग्रेड फीवर रहा तो हमारे को फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एक बार हॉस्पिटल जाके चेक कराइए, तभी पता लगा कि शी इज़ पोस्ट कोविड एंड वी डिडंट नो कि इसके कोई सिम्टम नहीं थे। जब पता लगा फिर हमारे को
यहाँ पे हॉस्पिटल में बताया गया कि ऑलरेडी कोविड से रिकवर हो चुकी है, उसके बाद की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अब कैसी है? बेटर है। कैसे एंगेज रखते हैं? सबसे बड़ी मुश्किल होती है छोटे बच्चे को एंगेज रखना, कि वो बिजी भी रहे और ज़्यादा परेशान ना हो। जब होम आइसोलेशन में थी तो काफ़ी एक्टिविटीज़, कलर एक्टिविटीज़ और ये सब कर रही थी, बट बिकॉज इतना फीवर था बच्चों में एनर्जी नहीं होती, कुछ टीवी देखा, थोड़ा म्यूज़िक चलाया, उसी में एंगेज कर सकते हैं, और बच्चों को कुछ ज़्यादा हम रूम में रख के कर नहीं सकते। अब थोड़ा आइसोलेशन में नहीं है तो शी इज़ हैप्पी टू मूव अराउंड, सब जाके सिस्टर्स को गुड मॉर्निंग बोल के आ रही है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तीसरी लहर से लड़ने के लिए अस्पताल भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पहली दो लहर में जो बच्चे कोरोना संक्रमित हुए उन्हें देखकर आप कुछ राहत की सांस ले सकते हैं। यहाँ एक 6 महीने की बच्ची है और हॉस्पिटल आने के बाद ये पता चला कि इस बच्ची में भी कोविड के लक्षण हुए थे, कुछ बताया डॉक्टर्स ने इसके बारे में? एक्चुअली क्या है कि इसको इमीडिएट क्या रात को बुखार हुआ था, फीवर, और वो 103 अबव था। आफ्टर दैट हमने जैसे वहाँ कंसल्ट किया, नियर बाय डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने बोला कि मतलब ओके है, फिलहाल ठीक है, अभी ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। पर जैसे ही हम इनको यहाँ पे लाए तो ऑक्सीमीटर में क्या है कि इनकी फिंगर पूरी, अब बच्चा है, प्रॉपर फिंगर नहीं आ पा रही थी। अभी यह पता चला यहाँ आके कि इनको कोविड टेस्ट जो पॉजिटिव तो नहीं था पर इनमें सिम्टम्स थे और आरटीपीआर इनका नहीं। बच्चों के लक्षण आरटीपीसीआर में भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसका अपने घर के पास भी मतलब कराया था लोकली टेस्ट, तो उसमें भी आरटीपीसीआर नेगेटिव आया था। फिर दोबारा इस हॉस्पिटल में भी हुआ तो यहाँ भी आरटीपीसीआर नेगेटिव था, बट इसका हॉस्पिटल इसका फिर ब्लड टेस्ट हुआ था। ब्लड टेस्ट में इसको इन्फेक्शन में डॉक्टर ने बताया था कि कोविड होके टच होकर बच्चे को निकल गया, बट बच्चा डॉक्टर ने बोला कि इस टाइम बच्चा के रिकवरी सिस्टम अच्छा होता है तो खुद रिकवर कर गया, इस वजह से हमें पता भी नहीं चला। यहाँ नहीं आते तो शायद पता भी नहीं चलता कि बेबी को कोविड हुआ और वो ठीक हो गया। तो जैसा ये लोग बता रहे हैं कि बच्ची को कोविड हुआ लेकिन ये बात हॉस्पिटल में बाद में जब बुखार नहीं गया और इलाज के लिए आए तब पता चली। यानी ज्यादातर बच्चों का यही केस है कि कोरोना होता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी, ये तो 6 महीने की बच्ची है, इसकी भी इम्यूनिटी बेहतर थी। बच्चों को कोरोना संक्रमित होने का खतरा तो है, लेकिन बच्चों में कोरोना संक्रमण की पहचान करना आसान नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना संक्रमित होने का पता नहीं चल पा रहा। अगर आप घर पर ही ऑक्सीमीटर के भरोसे बच्चों का हार्ट रेट या ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं तो ये भी खतरनाक है। ऑक्सीमीटर हर किसी के घर में है, बच्चों के लिए भी क्या सेम इंटरप्रिटेशन रहेगा हार्ट रेट और ऑक्सीजन को लेकर? जो ऑक्सीमीटर घर में सब लोग यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के फिंगर के लिए बिल्कुल नहीं है, तो वो हमेशा गलत रीडिंग देता है और लोग परेशान होते रहते हैं। बच्चों का हार्ट रेट एडल्ट्स के हार्ट रेट से ज़्यादा होता है। अगर बच्चों का हार्ट रेट 100 भी है या 104 है, खासतौर से अगर बच्चा रो रहा है, तो उसका हार्ट रेट 120 भी पहुँच जाएगा। तो क्वाइट चाइल्ड का हार्ट रेट ठीक है, इंडिकेशन देता है, बहुत ज्यादा हार्ट रेट हो तो वो खतरनाक बात होती है। हमने 3 तरह से बच्चों में ऑक्सीजन के लेवल को चेक किया, जिससे आपको साफ तस्वीर मिल सके कि बाजार में मिलने वाले ऑक्सीमीटर बच्चों के मामले में गलत रीडिंग भी दे सकते हैं। कोरोना वायरस होता है किसी के भी घर में तो सबसे पहले ऑक्सीमीटर आ जाता है और उससे ऑक्सीजन नापने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चों के केस में आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे कोरोना वायरस के केस में अगर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो ये ऑक्सीमीटर आपको धोखा दे सकता है, इसका आज हम एक लाइव डेमो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ तिशान है, हमारे साथ आद्या है और हमारे साथ डॉक्टर अनामिका दुबे हैं जो पीडियाट्रिक्स की स्पेशलिस्ट हैं। मैम, सबसे पहले अगर हम लोगों को दिखा सकें कि बच्चों में ऑक्सीजन को आप कैसे नापते हैं और कैसे वो लोगों को धोखा दे सकती है। देखो, ये जो ऑक्सीमीटर है ना, ये बड़ों की उंगली के लिए, राइट? अगर हम बच्चों के उंगली में डालेंगे, देखो मैंने डाला, ये आराम से बाहर आ गया, ठीक है? जब तक ये जो इसके अंदर एक लाइट है ना, वो जब तक इसकी नेल बेड को नहीं टच करेगी तब तक इसकी सर्कुलेशन जो है उसको नहीं सेंस कर पाएगी। अगर ये टच कर भी जाए तो क्या ये गारंटी है कि ये सही रिजल्ट्स देगा? इसको भी चेक कर लें एक बार। ये देखें जी, देखो इसका जो प्रिंसिपल है ना, ये इस पर डिपेंड करता है कि इसमें जो लाइट है उसमें अंदर जो ऑक्सीजन आपकी ब्लड में है वो उसको कितना सेंस कर देती है। इसमें दो तरीके के ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज द होल प्रिंसिपल, राइट?
अब ये देखिए कितना आ रहा है सैचुरेशन, पहली बार तो आया नहीं है, और दूसरा इसकी इसमें ना एक वेव फॉर्म होती है, अगर वेव फॉर्म ठीक से नहीं है तो इसको इसकी रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। अब हम आपको ईशान से बात करके भी बता देते हैं, ईशान को कैसा लग रहा है, ईशान आपको फील कैसा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ब्रीथ कर पा रहे हो, आराम से सांस ले पा रहे हो। हाँ। ये वाला दिखाना बिल्कुल। अब सिस्टर ज्योति एक दूसरा सेंसर लगाकर ऑक्सीमीटर के जरिए, वही ये एकदम सॉफ्ट है, ये जो सिस्टर जी ये इसमें जाएगा, अब आप इसका मॉनिटर में देखेंगे तो सैचुरेशन पूरा आएगा। तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में आप ऐसे चेक कर लाइट। हाँ। तो ये जो अब आप सेंसर लगा हुआ देख रहे हैं ये अब ऑक्सीजन चेक कर रहा है, क्योंकि इसका जो नेल बेड है उसको छू लिया है सेंसर ने, और अब यहाँ पर कुछ देर में आपको रीडिंग्स भी नजर आ जाएंगी। जबकि इस ऑक्सीमीटर से जब हमने चेक किया तो इसने कोई रीडिंग दिखाई नहीं, जो वेव फॉर्म बनती है वो भी अलग बनी, 99 SpO2 यानी कि जो आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं वो 9900 आ रही है तिशान की। वेव फॉर्म का ये होना बहुत जरूरी है, अगर ये सीधी लाइन है या मतलब ढंग से नहीं आ रही है तो ये रीडिंग गलत हो सकती है जी। तो ये पूरी वेव फॉर्म एक प्रॉपर तरीके से आएगी तभी आप रीडिंग को। रिक्वेस्ट ये है कि ऑक्सीमीटर इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर असेसिंग योर चाइल्ड कंडीशन एट होम जी। बाकी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं कि बच्चा ठीक नहीं है, है ना। जैसे बच्चे को अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकता है, तो बच्चे की सांस तेज चल रही होगी, है ना, बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चा खांसी करेगा, सुस्त होएगा, नहीं खाएगा, बच्चा जो है ना इरिटेबल भी हो सकता है, छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, कुछ बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, ये सब सारे सिम्टम्स बच्चे शो करते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू असेस एट होम। तो जो लक्षण आपने बताए उनमें ध्यान रखें। अब हम आपको एक और चीज बता देते हैं, ये ऑक्सीमीटर आमतौर पर आपने अपने घरों में देखे होंगे, आजकल बाजार में किड्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर के नाम से इस तरह के ऑक्सीमीटर भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है दोनों की टेक्नोलॉजी में कोई विशेष फर्क नहीं है। नहीं, सिर्फ डिजाइनिंग में फर्क है। डिजाइनिंग में फर्क, और इसमें भी, इससे भी मेरे को नहीं लगता कि इनका ठीक से असेस हो पाए। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। इसमें अब देखिए इन्होंने ना नेल पेंट लगाया है जी, अगर नेल पेंट लगाया है तो भी ये ठीक से नहीं बताएगा, ठीक है ना, ये नेल पेंट लगा हुआ है ना, तो नेल पेंट लगा होगा तो भी ये ठीक से नहीं बताएगा। ये बता रहा है 93, 92, 91 देखिए तो 92. इस तरह के डिजाइन वाले अगर आपको ऑक्सीमीटर नजर आते हैं और आपको लगता है कि ये किड्स पल्स ऑक्सीमीटर हैं और ये आपको सही रिजल्ट्स देंगे, ये बच्चों के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बार इससे भी चेक करके कोशिश करते हैं कि आपको ये भी दिखा दें कि जब हॉस्पिटल सेटिंग में चेक किया जाता है तो किस तरह से चेक किया जाता है। सब में नेल पेंट है। ये एक बार फिर हमने आपको दिखाया अब आद्या के जरिए कि किस तरह से एकदम सही ऑक्सीजन आ रही है। आद्या आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, सब एकदम ठीक है? Yes. तो आप ये ऑक्सीमीटर यूज मत करना कभी भी। और जो लोग सुन रहे हैं बच्चों के केस में खासतौर पर, हम उनको सलाह देंगे बच्चों के लक्षणों को पहचानिए। बहुत साफ लक्षण होते हैं बच्चों के मामले में, उनको पहचाना जा सकता है। अगर आप कोई चार बड़े लक्षण बताना चाहें लोगों को जो इस वक्त सुन रहे हो, जैसे खाली जो हम ऑक्सीजन लेवल्स मेजर करते हैं खाली कोरोना में तो करते नहीं है, कोरोना में बच्चों की कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, बच्चों को निमोनिया हो सकता है, बच्चों को ब्रोंकोलाइटिस हो सकता है, बच्चों को एस्थमा होता है, या कोई इन्फेक्शन हो जाए उस सब में, जिसमें सर्कुलेशन दो आते हैं, या तो सर्कुलेशन कम है या आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रही है, उन दोनों सिनेरियो में आपको कम सैचुरेशन मिलेगा। तो बच्चों के ये सारे सिम्टम्स अलग से देखें ऑक्सीजन नापने के बजाय जी। एक चीज और, जो जिन लोगों के घर में है ही, वो हो सकता है एंजाइटी में इसे यूज करे, तो एक सवाल और है कि ये हार्ट रेट भी बताता है, बच्चों का और बड़ों का हार्ट रेट भी अलग अलग होता है? बिल्कुल फर्क होता है, बच्चों का हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है जी, बड़ों से थोड़ा ज्यादा होता है। अब जैसे ये छोटा बच्चा है, इसका हार्ट रेट अगर आपको 100, 100, 102 भी आएगा तो नॉर्मल होगा, लेकिन यही अगर बड़ों का होगा तो ज्यादा माना जाएगा, ज्यादा माना जाएगा। तो अगर आप बच्चों के केस में लक्षणों को देख रहे हैं तो मशीनों पर भरोसा ना करें, बच्चों के लक्षणों पर भरोसा करें, और बड़ों के केस में तो एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, इंतजार भी हो सकता है। बच्चों के लक्षणों को पहचाने, तुरंत उनके डॉक्टर से सलाह लें, फिर जैसा सही होगा, घर पर रहकर भी दवाएं दी जा सकती हैं, और जरूरत पड़ी, जो कि बहुत कम पड़ती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। कोरोना वायरस एक वायरस की तरह हम बच्चों को ट्रीट करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, कोई एंटीबायोटिक इसमें हेल्प नहीं करती है। आप सिंपल बुखार उतारने के लिए बुखार की दवा दे दीजिए, अगर उसको जुखाम खांसी है तो जुखाम खांसी का दे दीजिए, बाकी हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, जितना पानी पिएंगे, जितना लिक्विड अच्छे से पिएंगे, और यूरिन काउंट पे ध्यान रखते रहें, बच्चा ठीक रहते हैं। ज़्यादा कोई भी और विटामिन सी, एंटीबायोटिक, इन सबका कोई रोल नहीं है। कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में
जांच किए बिना इलाज करना भी बच्चों की सेहत के लिए खराब हो सकता है। ऐसे में लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और अपनी तरफ से दवाएं देने से भी बचना चाहिए। सर, बच्चों के साथ हम वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जैसे बड़ों के साथ हमने देखे कि कोरोना वायरस के इलाज में तमाम तरह की दवाएं दे दी और बाद में पता चला कि वो काम नहीं कर रही हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, खासतौर पर जो बच्चे सिम्टोमेटिक भी नहीं हैं, माइल्ड केस हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, एक प्रिंसिपल है मेडिसिन का कि इफ यू कांट हेल्प यू शुड नॉट हार्म। गिविंग अननेसेसरी दवाइयां टू चिल्ड्रन may produce side effects in a large number of them. हमें मालूम है कि अभी तक जितनी दवाइयाँ निकली हैं कोविड के लिए, उनमें से एक तो पैरासीटामोल बुखार होने पर, और अगर ज़्यादा दिन फीवर रहता है और उसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो हम स्टीरॉयड देते हैं। बट अगर हम ध्यान रखें तो स्टीरॉयड देने की जरूरत बहुत ही कम होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर मामलों में बच्चों में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही बरती जाए। बच्चों के लक्षणों या उनकी सेहत पर नजर रखना जरूरी है, खासकर उनके खान पान पर। आप लोगों के समझाने के लिए एक प्लैटर है। आमतौर पर बच्चों की शिकायतें ये रहती हैं कि बच्चे वो नहीं खाते हैं जो हेल्दी माना जाता है, तो कैसे आप सजेस्ट करेंगी, क्या इसे हम फुल मील मान लें? देखो, इसमें ना देखिए पनीर की सब्जी है, प्रोटीन है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये प्लेट देखो, कलरफुल प्लेट है जो कि बच्चे को अट्रैक्ट करेगी कि मुझे इसमें खाना खाना है, है ना। उसी तरीके से जैसे जो आप जैसे रोटी है, रोटी बच्चे को प्रेजेंट करनी है, नहीं ऐसे रोटी खा रहा है, उसको डिफरेंट शेप्स में काट के दे दीजिए, बॉल के फॉर्म में दे दीजिए, बर्ड के फॉर्म में दे दीजिए, इसमें सारे वो मिलते हैं, उसके कटआउट्स मिलते हैं, आप वैसे दे सकते हो। सेकेंडली, 9 महीने के बाद बच्चे को प्रमोट करिए कि खुद ही खाए, तो उसके सामने रखिए, आप उसके साथ बैठ के खाइए, तो उसको समझ में आएगा कि मुझे साथ में खाना है। उससे फोर्स फीडिंग भी नहीं होगी और ओवर फीडिंग भी नहीं होगी। ये सब चीज़ें फिर बच्चे को हेल्प करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये भी देखना होता है बच्चे का टेस्ट कैसा है, है ना। कई बच्चे मीठा ज़्यादा खाते हैं, कई बच्चे नमकीन ज़्यादा खाते हैं, आप उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली उनके न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए मैनिपुलेशन कर सकते हो। हर बार ये सोचिए कि हम लोग खिचड़ी ही खिलानी है सब्जी डाल डाल के, वो बदला नहीं जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों में जो लक्षण सबसे अहम बताए जाते हैं उनमें है बुखार या फिर चिड़चिड़ापन। इसके लिए पैरासिटामोल के अलावा घर पर रहकर कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों की सलाह है कि बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले उसके डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कोरोना हो बच्चों में तो घबराइएगा नहीं, ज्यादातर बच्चे बिना लक्षणों के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीमीटर आपको नतीजा कुछ भी बताए, हार्ट रेट कुछ भी बताए, आप बच्चे के लक्षणों पर नजर रखिए और उसी के हिसाब से डॉक्टर से सलाह लेने में देर मत कीजिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। आज आपके मन में ये सवाल भी होगा कि दूसरी लहर में कोरोना वायरस बच्चों पर अपना कितना असर डाल रहा है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिनसे ये पता चलता हो कि दूसरी लहर में कितनी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए और कितने बच्चों की मौत हुई है। हालांकि आप चाहें तो कर्नाटक से इस स्थिति का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। कर्नाटक में पिछले 2 महीने में, ध्यान से देखिए, पिछले 2 महीने के आंकड़े, 10 वर्ष से कम उम्र के 40,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। देखिए, आपके सामने बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कर्नाटक की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं 10 से 19 वर्ष के 1,05,000 संक्रमित हुए हैं, यानी बड़ा आंकड़ा है संक्रमण का। इसके अलावा अब तक कोरोना से 43 बच्चों की मौत हुई है, जो कि बहुत दुखद है। कर्नाटक के आंकड़े अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर संक्रमित बच्चों की संख्या 1,00,000 से ऊपर जाती है तो इसे खतरे की घंटी माना जाएगा। इसे आप कुछ और आंकड़ों से समझ सकते हैं। इस साल 1 जनवरी से 21 अप्रैल के बीच, यानी करीब 4 महीनों में, कोरोना से जो कुल मरीज संक्रमित हुए
उनमें से लगभग 12% 20 साल से कम आयु के थे। यानी संक्रमण का 12% जो है वो 20 साल से कम उम्र के लोग। दूसरी लहर में हालांकि एक राहत वाली बात ये रही कि अधिकतर बच्चों में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं दिखते। यही बात दिल्ली एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही जब उन्होंने कहा कि बच्चों में सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं, बच्चों में संक्रमण जो है वो माइल्ड रहता है। अगर संक्रमण के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आती है तो उस समय डॉक्टर्स क्या करते हैं, अब आपको ये बताते हैं। तो उस समय डॉक्टर उन्हें स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यहाँ ये भी है कि जिन बच्चों को कोरोना हुआ उनमें से अधिकतर में गंभीर लक्षण नहीं दिखे। इसी वजह से एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि बच्चों को कोरोना से गंभीर खतरे के ठोस सबूत उपलब्ध नहीं। हालांकि पिछले साल जब भारत में कोरोना की पहली लहर थी और भारत उससे निकला था तो कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि भारत में दूसरी लहर आएगी ही नहीं, लेकिन दूसरी लहर आई और इस लहर ने लोगों को किस तरह बेबस कर दिया हमने और आपने सबने देखा। अब जब तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बच्चों को ये संक्रमण ज़्यादा होगा, तब आपको अपने बच्चों को लेकर सावधान रहना ज़रूरी हो जाता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। तो एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि इस समय इस संकट काल में सावधानी ही बचाव है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.